नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अमित शाह ने दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हुआ भव्य आयोजन। इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि, राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। दिवाली से पहले दिल्ली बाजारों में उमड़ी बेहिसाब भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। पोप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात में वासुदेव कुटुंबकम का संदेश, नियोक्ता का देश भर में हुआ स्वागत। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के सुरतेज, बोले मैं अपने बयान पर कायम, आयोग से की यह अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सरदार पटेल ने देश की आजादी के समय तमाम षड्यंत्रों को किया था बेनकाब। महिला बैंक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में आईपीएस अधिकारी सहित 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रायबरेली में डबल मर्डर से दहशत, घर में घुसकर सगी बहनों को गला रेत कर हत्या, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। भाजपा नेता डॉक्टर उत्तम ओझा बोले जो दिव्यांग हित की बात करेगा वही प्रदेश का राज करेगा। वाराणसी के दीपों से जगमग होगी अयोध्या, प्रत्येक पंचायत से जाएंगे 5-5 दीपक। उइगरों के अंग बेचकर अरबों की कमाई, रिपोर्ट का दावा, जिंदा लोगों के लीवर निकाल रहा चीन। पाकिस्तान में समय से पहले ही आम चुनाव चाहता है विपक्ष, पीडीएम की रैली में दिखाई देगी ताकत। पाकिस्तान की इमरान सरकार से विवाद सुलझाने के लिए टीएलए की बनाई 12 सदस्यीय कमेटी। सरकार की चेतावनी के बावजूद टीएलपी पीछे हटने को तैयार नहीं, वजीराबाद में दे रहे धरना। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले जयशंकर, अहम क्षेत्रीय मसले पर हुई चर्चा। राशिद खान ने T20 में रचा इतिहास, दिग्गज लसित मलिंगा का तोड़ा रिकॉर्ड। सौरव गांगुली का बड़ा बयान, भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में 100% फैंस स्टेडियम में होंगे। मानिंदु हरसंगा ने रचा इतिहास, वनडे के एक बाद T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक पूरी की। इंग्लैंड की लगातार तीसरी जीत, जोस बटलर के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया। तबरेज शमसी गेंदबाजी छोड़ स्पिनर बने, अभी दुनिया के नंबर एक T20 खिलाड़ी, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राजकुमार भूमि की बधाई दो, अगले साल रिपब्लिक डे के वीकेंड पर होगी रिलीज, फिल्म में पहली बार राजकुमार और भूमि की जोड़ी आएगी नजर। सीएम पावा की ये मर्द बेजारा का ट्रेलर आउट, कॉमेडी ड्रामा फिल्म 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज। नवाजुद्दीन को सिनेमा में योगदान के लिए मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। आर्यन खान की जमानत पर रामगोपाल वर्मा बोले अब तक दिवाली पर एक खान की फिल्म रिलीज होती थी, इस साल एक खान रिलीज हुआ है।
अनुष्का शर्मा विराट कोहली ने दिखाया बेटी का हेलोवीन लुक, परियों जैसी नजर आई। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।